जालौन के माधोगढ़ तहसील परिसर में अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं व होमगार्ड के बीच पेयजल को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि होमगार्ड ने अधिवक्ताओं पर राइफल तान दी, जिससे गुस्साए अधिवक्ताओं ने होमगार्ड की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख कोर्ट में बैठे एसडीएम ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस को दोनों पक्षों ने तहरीर सौंपी है। मामला माधोगढ़ तहसील परिसर का है, जहां अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ताओं का धरना जारी था। वहीं एसडीएम मनोज सागर कोर्ट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने पर एसडीएम ने सुरक्षा में तैनात होमगार्ड नीतपाल सिंह को अधिवक्ताओं को जाकर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए भेजा। तभी होमगार्ड ने जाकर अधिवक्ताओं को आवाज कम करने के लिए कहते हुए अधिवक्ताओं का पेयजल भी पी लिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं व होमगार्ड ने के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि होमगार्ड ने अधिवक्ताओं पर राइफल तान दी, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने होमगार्ड को धुन दिया। इसी बीच मामले की सूचना एसडीएम द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले को लेकर माधोगढ़ एसडीएम का कहना है कि होमगार्ड ने अधिवक्ताओं का पानी पी लिया था, जिससे अधिवक्ताओं ने नाराज होते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। हाँ, ये हमारी कोर्ट चल रही थी करीब 12:30 के बीच में जी। तो ये हमारे होमगार्ड है नीतपाल सिंह जी। तो बाहर पानी की बाल्टी थी जी, तो उससे पानी पीने लगे तो वकीलों ने इसी को लेकर उसको पिटाई कर दी। अच्छा। और उसकी राइफल भी छीन ली। अच्छा। और राइफल छीनने की कोशिश की, तो उसमें संजय सिंह जो महामंत्री हैं वो, जितवार सिंह, काली प्रसाद राठौर जी और राघवेंद्र ब्यास जी, ये सभी लोग जानबूझ के इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, जिससे मामला कुछ ना कुछ विवादित हो। हमने फौरन वापस यू को फोन किया और फोर्स बुलवाया और उसमें हमारे होमगार्ड ने तहरीर भी दी इनके खिलाफ।